हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान आया था, ब्रेड था और ये टोस्ट था, मैगी था। देखिए, मैगी अभी भी 10 रुपीस में आ रहा है। और ये आलू का भुजिया एंड ये पॉपकॉर्न, बस थोड़ा बहुत नाश्ता का सामान था। और रिसेंट में ये आलू भुजिया मेरा फेवरेट है, और हस्बैंड ये साग लेकर के आए थे, तो उसी को आज मैं बना रही हूँ। अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर लिया है, कट कर लिया है, देन इसको अच्छे से 2-3 पानी में वॉश कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, और उसमें सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। देन सूखी मिर्च और ज़ीरा ऐड किया है, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन और एक प्याज ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छे से हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। देन जो साग था उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है साग अभी, और 2 से 3 मिनट के अंदर ये बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। तो नमक ना, जब साग आपका गल जाए तब आप ऐड कीजिएगा, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ मैं। इसको कवर करके 3 से 4-5 मिनट छोड़ दिया था। देखिए लो फ्लेम पे साग मेरा गल के कितना कम हो गया है। और लगभग 2-3 महीने के बाद मैं साग बना रही हूँ, और ये देसी वाला साग था, लोकल यहीं का, बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा साग फेवरेट भी है। और थोड़ा सा मैंने उसके साथ करेला और आलू का भुजिया बनाया था। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में दी हुई है, तो इसका रेसिपी मैंने शूट नहीं किया। बस इसको अच्छे से फ्राई कर लिए थे, और यहाँ पे दाल वगैरह भी मैं बना दी थी। देखिए यहाँ पे करेला का भुजिया भी मेरा बन गया है, और ये है मेरा दाल चावल भुजिया साग और गुरम्मा और आम का अचार। तो बहुत ही अच्छा सा लंच था। देन मैंने लस्सी बनाया था चलिए और गाड़ी ये चलते लस्सी हैं पिए थे। छत पे। और अभी जस्ट सो करके उठी। अंधेरा हो गया है, बच्चे लोग खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी से हुआ था। अच्छा लग रहा है हवा। वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे लोग। एक कंघी मेरा छूट गया था कल छत पे ही। थोड़ा सा और दिन रहता है ना तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। अभी ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है वीडियो, और गर्मी किया है। बाहर तो अच्छा लग रहा है, घर के अंदर पूरा उमस सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आज पता नहीं कोई आया भी नहीं है छत पे, या मैं लेट हो गई। इतना टाइम तक रहते हैं सब कुछ छत पे, और खाना वगैरह खाई थी, और उसके बाद जो सोई अब भी जा कर के उठी हूँ। 2 से 3 घंटा तक सो गई और जस्ट उठी तो मैं बोली कि चलो चलती हूँ थोड़ा सा छत पे। और चीकू भी सो ही रहा है, उसके पापा भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। उठी, सावर ली और आ गई थोड़ा सा, बल्कि जाती थोड़ा हवा लग रहा है अच्छा। बाहर निकलो ना तो बॉडी भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। कितना सुंदर दिख रहा है आकाश,
और अभी संझा देना है मुझे, दिया नहीं जलाई हूँ वो जलाऊंगी। चिकू का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है कुछ भी। बीच में बहुत अच्छे से खाना वगैरह सब कुछ खा ले रहा था। अभी यहीं पे थोड़ा देर मैं रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी नीचे, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो भी काफ़ी ब्लर आ रहा है, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, ब्लर तो नहीं। और चलिए बाय, जाती हूँ नीचे, फिर मिलती हूँ। फ्लिपकार्ट से मेरा 2 पार्सल भी आया हुआ है, पता नहीं क्या आया है, देखती हूँ जा कर के। 3-4 चीज़ मैं ऑर्डर की थी, क्रीम वगैरह, उसी में से कुछ आया होगा। अभी जाऊंगी अनबॉक्स करूंगी। मैं तो सोई थी, हस्बैंड ही लेके रख दिए थे। चलिए नीचे जाके आप लोगों से मिलते हो फिर। उसके बाद हम लोग सो गए थे, और उसके बाद जब मैं उठी तो चीकू भी उठ गया था, तो मैं उसको थोड़ा सा पानी और ये बिस्किट दी खाने के लिए, देन थोड़ी देर में मैं उसको दूध दूंगी पीने के लिए। और देखिए मैं मांग रही हूँ तो मुझे मना कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा। उसके बाद मुझे चाय वगैरह बनाना है, वो सब मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए मैं रख दी थी, और तबीयत भी मेरा उतना ठीक नहीं लग रहा था। और देखिए यहाँ दही भी मैंने जमा दिया है। इसके बाद फ्लिपकार्ट से मेरा जो पार्सल आया था, मैं वो सब ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं लैक्मे, यहाँ पे मैं लैक्मे का जो क्रीम मंगाई थी, ये मैं बैचलर से यूज़ करती हूँ, नेचुरल सेल का, और ये बहुत ही अच्छा रहता है, यही है मेरा स्किन टोन। और फ्लिपकार्ट में आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ऐसे मार्केट में 180 का आता है एक। और उसके साथ एक आया था मेरा ये नवरत्न का जो पाउडर होता है ना, ये ठंडा वाला पाउडर, ये गर्मी में काफ़ी यूज़ आता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और इसका भी दाम जितना है उससे बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। उसके बाद ये आलू भुजिया मैं खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी इसका टेस्ट। देन हस्बैंड ये लेकर के आए थे आलू वड़ा, तो ये भी मैं 1-2 खाई थी, और बहुत ही यम था इसका स्टफिंग, देखिए गाइस बहुत टेस्टी था। उसके बाद यही था हमारा सिंपल सा डिनर, करेला का भुजिया, साग और आलू वड़ा। ये दोनों सब्जी लेफ्ट ओवर थी, और रोटी मैंने जस्ट बनाया, और थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था तो ये वाला एक चॉकलेट वाला बिस्किट खाने का था। आज क्या कर रहा है चिको? खेल रहा है चिको? चिको बेटा, हेलो एवरीवन। तो नाइट का टाइम हो रहा है, 11:30 हो गया है, और अभी डिनर वगैरह कंप्लीट हुआ। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो सिंपल सा ही डिनर था जो मॉर्निंग का लेफ्ट ओवर बचा हुआ था, और बस थोड़ी सी रोटी बनाई थी और आलू बड़ा वगैरह हस्बैंड लेकर के आ गए थे मार्केट से, तो वही सब हम लोग डिनर में खाए। और आज ना इतना ठीक नहीं लग रहा था, तो इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा सोई थी मैं, 3-3.5 घंटा सो गई थी, तो नींद नहीं आ रहा था। तो मैं सोची चलो अपना ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ, और चिकू भी अभी नहीं सोया है, तो सोचा वीडियो एंड कर से पहले थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन, होप आपको ये वाला वीडियो भी मेरा अच्छा लगा होगा।
काफ़ी सिंपल सा ये वाला वीडियो था, और वैसा कुछ मैंने आज रेसिपी वगैरह भी शेयर नहीं किया, बस साग की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों से आई थिंक। और ये वाला वीडियो नींद नहीं आ रही, बाय कर, बाय 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 एवरीवन। बारह बज गया गाइस और इसको अभी भी नींद नहीं आ रहा है। तो बच्चे जब रात को नहीं सोते हैं ना, तो समझ लीजिए दिन भर पूरा सोए हैं। तो आज चिकू के साथ भी यही हुआ है। ये कितने बजे तक सोया है बेटा? शाम के 6-7 बजे तक सो रहा था। अब गुड नाइट करके सो जाइए, गुड नाइट करो चिकू, इसको निकालो गंदी बात, बाय करो, बाय 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 करो, बाय करना आता है, टाटा बाय बाय। आज चिकू बाय नहीं करेगा, बाय नहीं करना है। इधर आओ मम्मा बसा चिकू, चाची आजी आजी चाची चाची बाउट कवा। हेलो एवरीवन, तो बहुत रुक जा बेटा बात कर रहे, तो काफी वीडियो लॉन्ग हो गया है, रुक जा चुप चुप हो जा चुप हो जा। तो गाइस वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वाले ब्लॉग में। और 12:30 हो गया है, अभी तक चिकू सोया नहीं है, देखती हूँ ये सो जाएगा फिर मैं भी सो जाऊंगी। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वाले ब्लॉग में।